अलविदा कहकर राजमल पहुंची और नौजवान भी उनके पहुंचने से पहले पहुंच जाता है। अब अगले दिन प्रणाम महाराज जी। कहो नौजवान, क्या खबर लाए हो? महाराज, मैंने उस राज का पता लगा लिया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल राजकुमारियां उनके कमरे में बनी एक गुप्त रास्ते से जाती है। वहाँ एक दूसरा ही लोक है जहाँ 10 परियां रहती है। वे सभी उनके साथ 3 बजे तक नाचती है। यही वह अनोखा राज है जिसकी वजह से रोज उनके जूते गंदे और दूध से भरे होते थे। क्या आप सभी मेरे सामने आएंगी? क्या यह नौजवान वो बोली है वह सत्य है? मैं सबूत के तौर पर कुछ चीजें लाया हूँ, आपको दिखाने। पिताजी, हमें माफ कर देना। इस राजमहल में आपने हमें हर चीज की सुविधा दिलवाई है जो आपने हमारे लिए ठीक समझा। पर क्षमा करना पिताजी, आपने हमसे कभी भी यह नहीं पूछा कि हम क्या चाहती हैं या हमारा क्या फैसला है। हर फैसला केवल आप ही का होता था। यही वह वजह थी कि हम अपनी आज़ादी की कमी महसूस कर रही थी। इसलिए हम सब आपसे छुपते छुपाते उस रात की चांदनी में नाचने निकल पड़ी। बेटिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना। मैं सच में तुम्हारा भावनाओं को समझ नहीं पाया। एक अच्छा पिता बनने की कोशिश में मैं यह भूल गया कि बच्चों के भी कुछ अरमान होते हैं। पर अब मैं समझ गया कि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बाद में राजा ने नौजवान को इनाम के साथ साथ राजमहल का उपमंत्री बना दिया और वह अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। धन्यवाद। मारू तू।